हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज हम करने वाले हैं एकदम तड़कता भड़कता एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हम कास्टिक सोडा, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और केमिस्ट्री में इसका फॉर्मूला है NaOH, इसके रिएक्शन हम करवाएंगे एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम फॉइल मेरे पास थी नहीं, तो आप यहाँ पे दवाई के जो ये पत्ते होता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पहले हम समझते हैं रिएक्शन क्या होगी इसके अंदर। तो देखिए, पहले समझते हैं रिएक्शन होगी कैसे। तो जैसा हम जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास NaOH, इसकी रिएक्शन मैंने कराई एल्यूमिनियम के साथ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए जो सोडियम है वो तो हाईली रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, पर यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा है। हाइड्रोजन को मंत्र का घंटा है जिसको हर कोई आगे बजा के चला जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके बैठ जाएगा किसकी जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे, बन जाएगा यहाँ पे NaAlO2, बोलते हैं इसको सोडियम एल्यूमिनेट। और क्या रिलीज होगी यहां पे, हाइड्रोजन गैस, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उस हाइड्रोजन गैस को हम इकट्ठा करेंगे, और हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस को जैसे हम इकट्ठा करेंगे वो पॉप साउंड से फूटती है, तो वही चीज आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बाहर निकाल लिया है। अच्छा, इस रिएक्शन को करते हुए आप थोड़ा सा ध्यान से दिखिए, मैं कहूंगा आप इसको ट्राई मत करिएगा घर पे, क्योंकि काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वाली, ठीक है। तो इसको आराम से हम डालेंगे इस बोतल के अंदर, ठीक है। ये देखिए, हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बोतल में डाल दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी है सॉलिड फॉर्म में। जैसा हम जानते हैं, जो आपके एसिड्स होते हैं और बेस होते हैं वो मोल्टन स्टेट में ही अपना एसिडिटी और बेसिसिटी शो करते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगा वाटर, यानी कि बनाऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे इसमें पानी डालूंगा, रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगी वाली। देखिए, अब जैसे मैंने इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, अब यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी शुरू हो चुकी है, पानी गर्म होना शुरू हो चुका है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चुकी है। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा एल्यूमिनियम, छोटे छोटे एल्यूमिनियम के फॉइल्स इसमें डालना शुरू करेंगे। तो देखिए, आप यहां पे देख सकते हैं जो रिएक्शन है ये होनी शुरू हो चुकी है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये बोतल भी गर्म हो चुकी है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बननी शुरू हो चुकी है, और अब ये बोतल भी बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे कैंडल रख रखी है, कैंडल में हमने आग लगा रखी है, अब जैसे ही मैं इस बैलून को इस कैंडल के पास लेके आऊंगा, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से फूटेगी। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो जैसा आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस जो है किस तरीके से पॉप साउंड से फूटती है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था आपको बताने के लिए कि हाइड्रोजन गैस असल में कितनी हार्मफुल है हमारे लिए। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे मत ट्राई करिएगा, एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है और थोड़ा एक्सोथर्मिक है। जैसा आपने देखा था, काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज हो चुकी थी, बोतल भी लगभग लगभग गर्म हो चुकी थी, वो बोतल भी फूट चुकी है जिस बोतल में हमने कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम को रिएक्ट किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा हाइड्रोजन गैस किस तरीके से पॉप साउंड से फूटी है। तो चलिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।